नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज हम लोग बात करेंगे मीडियन फंक्शन के बारे में। ठीक है, मीडियन फंक्शन का क्या यूज करते हैं, कैसा यूज है, उसके बारे में देखेंगे पूरे डिटेल में। तो ये जो मीडियन फंक्शन है ये स्टैटिकल फंक्शन का पार्ट्स है। तो पहले मैं बता दूं कि ये मीडियन फंक्शन है कहाँ पे, इसका लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फार्मूला सेक्शन में जाएंगे। फार्मूला सेक्शन में यहाँ पे जो है मोर फंक्शन आएगा, मोर फंक्शन में स्टैटिकल पे जाएंगे और स्टैटिकल में आपको मिल जाएगा यहाँ पे मीडियन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मीडियन फंक्शन। ठीक है, तो मीडियन फंक्शन का क्या यूज है मेनली, ठीक है, देखते हैं, चलिए देखते हैं ट्रीट के। और तो यहाँ पे मैं कुछ डेटा लिया हूँ, जैसे कि मैं सैलरी ऑफ एमबीए होल्डर, ठीक है, कुछ एमबीए होल्डर स्टूडेंट का जो है सैलरी कितना होता है उसके बारे में मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हूँ सैलरी ऑफ एमबीए होल्डर के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए अगर एमबीए होल्डर जो इंडिया में काम करता है तो उसको जो है कुछ कंपनियाँ 65 मिलेगा, 55 मिलेगा, 50 भी मिलता है, 70 भी मिलता है। ठीक है, अगर यहीं पर जो है आउटसाइड ऑफ इंडिया जा रहा है तो वो जो है आपको 3,50,000 कमा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कमा रहा है। तो ये एक मैं एक चार्ट लिया हूँ, रफ चार्ट लिया हूँ। ठीक है, तो इसका अगर मीडियन मुझे निकालना है तो मीडियन के लिए मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, मैं इक्वल टू लिखूँगा। ठीक है, एम ई डी मीडियन आ गया। ठीक है, मीडियन फार्मूला अप्लाई करूँगा तो इसका जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अगर ओके करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे जो है मीडियन मिल गया। ठीक है, तो मीडियन है क्या वो भी हम देखेंगे और इसको किस तरह से यूज करते हैं। मान लीजिए चलिए फिर से मैं इसको यूज करता हूँ, मीडियन को इक्वल टू लिखा एम ई डी। ठीक है, मीडियन फंक्शन आया, इसको आप एक्सप्रेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर पूछ रहा है, एक एक नंबर कर भी कर सकते हो या आप डायरेक्टली चाहे तो यहाँ पे सभी को, मतलब एक नंबर दो नंबर इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो मैं डायरेक्टली सभी को आप ऐड कर लीजिए। तो पूरा डेटा आ गया और इक्वल कर देंगे तो आपको ये डेटा जो है मिल गया मीडियन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मीडियन क्यों यूज कर रहा हूँ, इसका क्या प्रॉफिट है मीडियन यूज करने का। ठीक है, तो भी देख रहे हैं, अगर मान के चलिए मैं यहाँ पे एवरेज निकाल रहा हूँ, इक्वल टू मैं कर रहा हूँ एवरेज। ठीक है, एवरेज अगर निकालूंगा इसका, ठीक है, एवरेज अगर निकाल रहा हूँ तो एवरेज कितना हो रहा है, देखिए एवरेज जो है यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि अगर आप एवरेज निकाल रहे हो, एवरेज मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 10-5 स्टूडेंट है। ठीक है, मान के चलिए 1-2-3-4-5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट का डिफरेंट डिफरेंट सैलरी है। ठीक है, तो मतलब कि हम लोग कुछ बोलते हैं कि एवरेज, एवरेज सैलरी कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज सैलरी मतलब कि सभी का जो है इक्वल, उसका नियरेस्ट जो है वो आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जो है आप सिर्फ ओनली इंडियन स्टूडेंट का जो है आप मान के चलो इक्वल टू मैं कर रहा हूँ एवरेज, एवरेज में अगर ओनली इंडियन का ले रहा हूँ, मैं यहाँ का छोड़ दे रहा हूँ, ये आउटसाइड इंडियन का छोड़ रहा हूँ, ओनली इंडिया का ले रहा हूँ, तो देखिए 60,000 आ रहा, मतलब कि ये जो सैलरी है 65, 55, 50, 70, मतलब ये जो एवरेज, अगर किसी को बोला जाए एवरेज सैलरी कितना है, किसी से पूछा जाता है एवरेज सैलरी कितना, 60 बोला जाता है। अगर यहीं पर आप फॉरनर को कंटिन्यू करके इक्वल टू करके एवरेज करके आप जो सैलरी निकालोगे और बोलोगे कि एवरेज सैलरी जो है एमबीए होल्डर का जो है 1,18,000 है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा आप नहीं बोल सकते। अगर आप इंडिया में काम करते हो तो आपका सैलरी इतना नहीं हो सकता, एवरेज भी आप यहाँ पे नहीं कर सकते। तो उस केस में हम लोग जो निकालते हैं वो मीडियन निकालते हैं। ठीक है, मीडियन जो है आपको परफेक्ट डेटा मिलेगा, ताकि यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे जो है सभी इंडियन है, ओके, अगर आप इंडियंस के लिए निकालो यहाँ पे मीडियन। ठीक है, अगर आप मीडियन जो है फार्मूला लगाइए इंडियन के लिए तो क्या होगा, सिर्फ ओनली इंडियन स्टूडेंट के लिए जो इंडिया में काम करते हैं उसके लिए देखिए कितना आ रहा है, 60,000 के आसपास आ रहा है, जो कि आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे रहा है कि मतलब ये सभी जो है सैलरी जो किसके अंदर किसके आसपास में है, तो इस वैल्यू के आसपास में जो है आपको मिलेगा ये सारा वैल्यू 60,000। ठीक है, अगर यहाँ पे आप फॉरनर को भी कनेक्ट कर लो, ठीक है, उसको भी कंसीडर कर दो, एम ई डी आई एन फिर मीडियन फंक्शन लगा रहे हैं जिसमें कि मैं फॉरनर स्टूडेंट को भी कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इक्वल कर रहा हूँ तो इसमें भी आपको जो है 65 ही मिल रहा है, जिसमें कि 65 जो है देखिए सारा वैल्यू जो है
अप्रॉक्सीमेट जो है इसके अंदर आ रहा है, मतलब ये जो है सभी के नियरेस्ट वैल्यू आ रहा है। ठीक है, मीडियन में क्या हो रहा है, सभी का जो है नियरेस्ट वैल्यू जो है आपको मिल रहा है। ठीक है, ये 65 मिल रहा है, ये भी इसके भी नियरेस्ट है, इसके भी नियरेस्ट है, इसके भी नियरेस्ट है, इसके भी नियरेस्ट है, ये तो बहुत दूर है। अगर आप इसको एक्सेप्शनल में केस कर रहे हो तो ये जो है फॉर आउटसाइड इंडिया को है, इसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा। ठीक है, तो आपको मीडियन कब यूज करना है, जबकि आपका जो है सभी का एवरेज निकालना है। आपको बोला जाए कि नियरेस्ट सैलरी कितना है, मतलब कि सभी का जो है उसका एक एवरेज होता है, जिसमें कि उसके आसपास का सैलरी। ठीक है, तो उसके इसमें हम लोग यूज करेंगे मीडियन। ठीक है, मीडियन अगर आप यूज करते हैं सही होगा, अगर उस केस में आप एवरेज यूज करते हैं तो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, तो इस केस में जब भी आप यूज कीजिए उसमें एवरेज यूज नहीं करना है। क्या यूज करना है, मीडियन यूज करेंगे। मीडियन अगर यूज करेंगे तो आपको हमेशा सही डेटा मिलेगा, करेक्ट मिलेगा, बाकी केस में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज के बाद डोंट बी फूल, बी स्मार्ट, यूज मीडियन, करेक्ट, ऑलवेज यूज मीडियन। ओके, अगर कुछ डाउट है तो आप बोल सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मीडियन फंक्शन के बारे में बताया किस तरह से यूज करते हैं, क्या नहीं है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।